जम्मू कश्मीर में क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन का कानून अब बदल चुका है। पहले डायरेक्ट हेल्थ सर्विसेज जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन करती थी, लेकिन अब क्योंकि केंद्र का कानून मई 2020 में जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया, अब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन करेगी। अब इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में कौन होगा? इसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर को बनाया गया है। कन्वीनर जो है वो सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे। उसके अलावा इस कमेटी के, इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के मेंबर एसपी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के, उसके अलावा कंसर्न हेल्थ डिपार्टमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव, या फिर अगर वहां पर कोई एसोसिएशन, कोई मेडिकल एसोसिएशन है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, उसका भी एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का हिस्सा बनाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो होगी उसके पास अभी इख्तियार होगा कि वो डॉक्टर्स को डॉक्टर्स के क्लिनिक्स की रजिस्ट्रेशन कर सके। अब रजिस्ट्रेशन का कानून भी इस तरीके से कर दिया गया है कि आप जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भर के भी कर सकते हैं, और बाय पोस्ट भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने अप्लाई कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप देनी है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप का मतलब कि आपने फॉर्म भरा था, हमें ये फॉर्म मिल चुका है। उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलने के 10 दिनों के अंदर अंदर आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इशू हो जानी चाहिए, ऐसा ये कानून कहता है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होने से पहले अगर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी चाहे तो उन्हें इंस्पेक्शन करनी है, सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जिस डॉक्टर्स की रजिस्ट्रेशन की जा रही है क्या उन्होंने सभी फॉर्मेलिटीज को, सभी कानूनों का पालन किया है या नहीं किया है। 10 दिनों के अंदर अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको इश्यू करना है, नहीं तो आप इस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को ये बताना है कि हमने सर्टिफिकेट इश्यू क्यों नहीं किया, या हम इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कर रहे हैं, या हम इन्हें रजिस्ट्रेशन देने में डिले क्यों कर रहे हैं। यानी कि जवाबदेही अब जरूरी कर दी गई है। वहीं अगर हम बात करें परमानेंट सर्टिफिकेट इश्यू करने की, यानी कि जब आपने बता दिया कि भाई ये क्लिनिक जो है ये अब से रजिस्टर हो गई, वो सर्टिफिकेट जो है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलने के 7 दिनों के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को देनी है। और जब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने एक बार ग्रांट कर दी परमिशन, रजिस्ट्रेशन कर दी, उसके बाद उन्हें स्टेट काउंसिल को ये बताना है कि उन्होंने कितनी क्लिनिक को रजिस्टर किया है। सारी डिटेल्स जो है वो उन्हें स्टेट काउंसिल तक पहुंचानी है। स्टेट काउंसिल का ये रोल रहेगा कि वो नेशनल काउंसिल के साथ लाइजन में रहेंगे। उसके अलावा पूरी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जितनी भी डॉक्टर्स क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन की जा रही हैं, उन रजिस्ट्रेशन का एक रजिस्टर बनाकर उन्हें जो है उसकी अपकीप करनी है। ये सारे काम स्टेट काउंसिल के होंगे, लेकिन जहां तक काम है रजिस्ट्रेशन का, वो काम डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी करेगी। और अब ये ताकत जो है वो डिप्टी कमिश्नर को दे दी गई है। वहीं इस समय जो हमारी बात हुई उन लोगों से जो 5 अगस्त के बाद से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और मई 2020 जब ये कानून लाया गया उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सीएमओ जो है वो फिलहाल प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, प्रोविजनल तौर पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अभी तक परमानेंट रजिस्ट्रेशन क्लिनिक की, जहां तक उनकी नॉलेज है, अभी तक नहीं की गई है। अगर ऐसा है तो अब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब कानून ये कहता है कि 60 दिनों के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट, परमानेंट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू करना है, तो क्या कारण है कि आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। और 60 दिनों के अंदर अंदर ही या तो उन्हें डिसअलाउ करना है कि हम इस क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, या तो उन्हें अग्री करना है कि हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कोई थर्ड वे नहीं इसमें है। वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन के किसी की डिसअलाउ की गई है, उसकी भी आप अपील कर सकते हैं स्टेट काउंसिल के पास। अपील करने के लिए भी समय दिया गया है, और उसके अलावा रिन्यूअल के लिए भी डेट सब फिक्स कर दी गई हैं कि अगर आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है उसे रिन्यू करवाना है तो आपके पास 15 दिन का समय है, अगर आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन जो है उसे रिन्यू करना है तो आपको पास 1 से 1.5 महीने तक का समय है। तो ये टाइमिंग भी इस कानून के तहत फिक्स कर दी गई है, ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी लोग क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ये टाइम बाउंड मैनर में प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाए और किसी भी तरीके की दखल अंदाजी कोई भी इसमें ना कर पाए। अब क्योंकि कमेटी बना दी गई है, जिस कमेटी में डिप्टी कमिश्नर भी होंगी, एसपी भी होंगे, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनके एक रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, उसके अलावा जो है सीएमओ भी होंगे, तो इसमें किसी भी तरीके की दखल अंदाजी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भी अगर चाहे तो नहीं कर सकते।